अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली लाइफ रूटीन। तो मेरी रूटीन स्टार्ट होती है अजहान से। अजहान फिलहाल सोया, उसको उठाते हैं, लेट्स गो। अजहान, अब जी मैंने बैठा दिया अजहान को कार्टून देखने के लिए। अजहान देखेगा, अपने कार्टून एंजॉय करेगा और तब तक मैं करूँगी अपना रूम सारा क्लीन नीट, क्योंकि ये अजहान जो है ना, अब आजकल हम घर में आए और रहते हैं कमरे में पूरा दिन, तो कमरे का बहुत बुरा हाल हो जाता है। जैसे यहाँ पर मजाक से कहते हैं जिन नाचे हैं, वो हाल हो जाता है। तो जल्दी जल्दी आप सेट करते हैं। कमरा तो हो गया नीट एंड क्लीन और अब है किचन की बारी। किचन में बहुत बुरा हाल हुआ है, किचन को भी हम जल्दी जल्दी नीट एंड क्लीन करेंगे। काश असल ज़िंदगी में भी बर्तन इतनी जल्दी धुल जाते होते और किचन ऐसे चकाचक साफ हो जाता होता, लेकिन खैर हमारे पास ये तरीका तो है ना कि इसको तेज़ स्पीड में चलाते हैं और जल्दी जल्दी सारा किचन साफ करते हैं। बर्तन धोते धोते अचानक मुझे नज़र आया कि बाहर बारिश हो रही है, खिड़की से नज़र आया, तो मैंने याद आया या अल्लाह मैंने तो कपड़े धो के डाले थे, वो तो जल्दी जल्दी उतार लें। तो मैं जल्दी जल्दी कपड़े उतार के अंदर करती हूँ, फिर बाकी का किचन साफ करेंगे और नाश्ता करेंगे। कपड़े मैंने सारे अंदर कर लिए और क्या ज़बरदस्त मौसम हो गया, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी आज बारिश होगी इतनी गर्मी थी। ये देखें, ये जो दोनों मियाँ बीवी हैं ना, ये दोनों मुझे बहुत तंग करते हैं। ये हमारी जो साथ वाली गली है ना, उसके अंदर ही अपना घोंसला बनाते हैं और घोंसला बनाने के चक्कर में रोज़ मेरी गली के अंदर ना ये तिनके और पता नहीं क्या क्या इकट्ठे कर देते हैं और मुझे धोने पड़ते हैं। इतना प्यारा मौसम, मैं दिल तो नहीं कर रहा कि अंदर जाऊँ, लेकिन मैंने अपनी मान को कहा कि तुम अजहान को पकड़ो और मैं बाकी का किचन साफ कर लूँ। किचन साफ करने के बाद अभी नाश्ता भी बनाना है। अच्छा, किचन साफ के ना कैबिन साफ करने के लिए मैं बनाती होती हूँ सॉल्यूशन और उसको इस तरह वाइपर पर चढ़ा के ना जल्दी जल्दी साफ कर लेती हूँ। इससे सारे हमारे जो कैबिन है ना, वो चकाचक साफ हो जाते हैं। मेरे कैबिन है वाइट कलर के और बड़ी जल्दी गंदे होते हैं। इतनी स्पीडों से कभी आपने नाश्ता बनाया है? अगर बनाया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे बनाते हैं। तब तक मेरे साथ बनाए अल्टा पल्टा आज। अजहान को चकमा देने के लिए ना मैं इसको फ्राइज़ की शर्ट में काट देती हूँ, इस तरह वो फ्राइज समझ के इसको खा लेता है। खाना खा लो, मेरे बेटे का खाना आ गया। ये नाश्ता करने के बाद जी हम करेंगे अजहानों को तैयार जल्दी जल्दी और उसके बाद करेंगे घर साफ। अजहानों साफ तो तैयार हो गए। अब जी जल्दी जल्दी मैं सारा घर साफ कर लूँगी। घर साफ करने के बाद जी हम क्या करेंगे जी, मैंने अली के कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे, कल कर लिए थे और अब आज मैं इनको हैंगर करूँगी सारों को। अब जी शाम के 4 बज रहे हैं, मैंने अजहान को खेलने के लिए बिठाया, साथ मैंने चला दिया उसके कार्टून और थोड़ी सी उसको सलांटी दे दिया और मैं अब अपना यूट्यूब का काम थोड़ा करूँगी, लैपटॉप का थोड़ा देखना था, मेमोरीज वगैरह का वो कर लेती हूँ जल्दी जल्दी और साथ चाय इन्जॉय करेंगे। सुबह से चाय नहीं पी हुई। मैं अपने लिए और अजहान के लिए लेके आई स्वीट पोटैटोस। हाँ जी, तो मैंने भी थोड़ा सा मुँह हाथ धो लिया, फ्रेश हो गई हूँ। हम दोनों की स्नैकिंग तो हो गई थी और उसके बाद हम दोनों ने अब सोचा कि हम दोनों बाहर वॉक करते हैं, गली में मौसम बहुत अच्छा है और कुछ इसी बहाने अजहान फ्रेश भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी से सो जाएगा जब अंदर जाऊँगा।
वॉक करके जब अजान अंदर आया तो फ़ौरन ही सो गया थोड़ी देर बाद। अब मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई और खुद खा रही हूँ एप्पल, बिकॉज एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। और अली आ गए थे तो हमने जल्दी जल्दी बीमा ठीक किया था। चलो शूज़ पहनो चले। और अभी हमने सोचा ही था कि हम डिनर करके वॉक करेंगे और साथ ही जी लाइट चले गई। चलो जी चलो, अब हम वैसे वॉक नहीं करेंगे, अब हम गाड़ी पे वॉक करेंगे। अच्छा ना, आपको डर नहीं लगता इतना अंधेरा है? आई नो, यस, इतना अंधेरा गली में और ये देखे इस लड़के को है कोई डर? अजान नो नो, ये लो पापा अपना काका ले लो जी। जी तो अभी हम आए हैं आइस फ्रूट्स पर जूस पीने के लिए। फ्रेश जूस ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं कि पिए, और मैंने अपने लिए मंगवाया है ग्रेप्स का, लिए कम हुआ है। घर आके जी कपड़े शपड़े चेंज किए, दूध बॉयल करना था, हम साले के आए थे दूध अब बॉयल करेंगे। दूध बॉयल होते होते साथ साथ मैं सारा किचन क्लीन करूँगी। अगर रात टाइम किचन आना क्लीन करो, सुबह बहुत ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है, फिर दिल नहीं करता साफ़ करने का। और जल्दी किचन क्लीन करने के बाद जी मैं साथ साथ अजहान का खाना तैयार कर लूँगी, अजहान के लिए रात का फीडर तैयार कर लूँगी। पूरे दिन में मैं ज़्यादातर अजहान को फीडर नहीं देती, क्योंकि अगर बेबी जो है ना वो फीडर पी लेना तो फिर समझो बस के वो खाना नहीं खाएगा, और खाना नहीं खाएगा तो न्यूट्रिशन जो है वो मिल्क से तो पूरी होने नहीं लगी। इसीलिए जी मैं सिर्फ सुबह और रात को अजहान को फीडर देती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी सारा किचन साफ़ किया, अब जी मैं अजहान का खाना खुना तैयार करूँगी। अजहान का ये फीडर जो है ना ये मैंने बॉयल किया है, मैं अजहान की चीज़ें सारी बॉयल कर करके रखती हूँ, और अजहान जो है ना वो दीवारों को मुलगा रहा होता है, जूतों को मुलगा रहा होता है, बस यही है। मुझे लगता है अजहान जो है ना वो अंदर अपने पापा को खूब तंग कर रहा है। मैं जल्दी जल्दी फीडर वगैरह प्रिपेयर करती हूँ और अंदर चलते हैं, लेट्स गो। अजहान ने तो खाना शाना खा लिया और अब हम देख रहे हैं मूवी। मूवी देखने के बाद इंशाल्लाह सो जाएंगे। आप सब मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।